दोस्त, मैं आपको बता दूं कि जिंदगी एक दिन में खराब नहीं होती, लेकिन हर दिन छोटे छोटे गलत एक्शन के कारण ये एक दिन खराब जरूर होती है। और कमाल की बात यह है कि हम सभी को पता भी नहीं चलता कि ये कैसे हुआ। और किसी दिन हम खुद को शीशे के सामने खड़े होकर देखते हैं तो खुद से ही नजरें नहीं मिला पाते और पछताते हैं कि ये कब हो गया, कैसे हो गया। दोस्त, मेरी ये एक बात को हमेशा याद रखना, या तो तुम जिंदगी में डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो या फिर कोई मुकाम हासिल कर सकते हो, ये सिर्फ और सिर्फ तुम पे डिपेंड करता है। आज की इस वीडियो को सभी स्टूडेंट्स को देखना बहुत जरूरी है जो जिंदगी में सच में अपने सपनों को हासिल करना चाहते हैं। और आज ये पता भी चल जाएगा कि 10% स्टूडेंट्स इस वीडियो को पूरा देखेंगे और बाकी के 90% स्टूडेंट्स वीडियो को बीच में छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि इसमें टाइम पास चीजें नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ वही बातें हैं जो तुम्हें लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगी। दोस्त, सबसे पहले ये समझते हैं कि डिस्ट्रैक्शन क्या होता है। डिस्ट्रैक्शन वो सारी बातें जो आपको आपकी सफलता के मार्ग से भटकाती है, आपके सक्सेस होने की वजह को रोकती है, वो होती है डिस्ट्रैक्शन। चाहे वो आपका फोन हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर पास्ट की कोई थॉट जो आपको आपके रास्ते से अलग कर सकता है। तो आज की इस वीडियो में डिस्ट्रैक्शन को दूर करने के तरीके बताऊंगा ताकि आप अच्छे से पढ़ाई कर पाए। टिप नंबर 1, जब भी आप पढ़ने बैठे तो एक पेपर पेन लेकर बैठे और उस पेपर पर एक टाइटल डालो कि आज मुझे 5 घंटे पढ़ने हैं, और फालतू के विचार को एक तरफ लिखो। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो फालतू के विचार हमारे माइंड में आते हैं और हम खो जाते हैं और बाद में पछताते हैं कि हम पढ़ाई नहीं कर पाए। लेकिन अगर आप उसे लिख लेंगे तो वो चीज आपके सामने रहेगी और बार बार आपके माइंड में रहेगी कि आज मुझे 5 घंटे पढ़ने हैं। और जैसे ही डिस्ट्रैक्शन या फालतू विचार आपके माइंड में आएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं, और आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। टिप नंबर 2, फोकस ऑन इजी सब्जेक्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये आदत होती है कि वे साइंस, फिजिक्स और मैथमेटिक्स में ही ज्यादा ध्यान देते हैं, हिंदी और इंग्लिश को इजी सब्जेक्ट मान लेते हैं और उनको टाल देते हैं और उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। वे सोचते हैं हिंदी और इंग्लिश एग्जाम को 10 दिन पहले ही पढ़ लेंगे, लेकिन दोस्त, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आपके परसेंटेज जो है वो तो ओवरऑल सभी सब्जेक्ट को मिला के बनते हैं, तो आपको हिंदी और इंग्लिश पे भी ध्यान देना है ताकि ये ओवरऑल आपकी स्कोर को बढ़ा दे। ये 2 ऐसे सब्जेक्ट है जिसे कम समय में पढ़कर ज्यादा स्कोर किया जा सकता है। आपके पास टाइम भी कम है तो ऐसे सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करें। टिप नंबर 3, सॉल्व प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। दोस्त, प्रीवियस ईयर्स के पेपर बोर्ड एग्जाम तो क्या, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस ईयर्स पेपर का एनालिसिस करने पर आपको ये पता चलेगा कि आखिर बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस पुट होते हैं। प्रीवियस ईयर्स के पेपर देखने से आपको काफी फायदा होगा और आपको एग्जाम का आइडिया हो जाएगा कि क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं। टिप नंबर 4, सेट डेली गोल। दोस्त, वीकली मंथली गोल सेट करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। हम लोग मंथली गोल सेट करते हैं और उसे पूरा नहीं कर पाते हैं। हम सोचते हैं कि आज करेंगे, कल करेंगे, और इसी तरह सारा टाइम निकल जाता है और हम पढ़ाई नहीं कर पाते। इसीलिए आपको इन गलतियों से बचना है। आपको डेली गोल सेट करना है कि मुझे फिजिक्स के ये चैप्टर खत्म करना है, केमिस्ट्री का ये चैप्टर खत्म करना है, और जब तक ये चैप्टर खत्म ना हो जाए मैं सोऊंगा नहीं, चाहे रात के एक ही क्यों ना बच जाए। डेली काम करने की आदत आपको टॉपर बना सकती है। टिप नंबर 5, वॉक अप अर्ली, जल्दी उठना। दोस्त, सुबह जल्दी उठना सभी के लिए अच्छा होता है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो बहुत जरूरी है कि आप पेपर के कुछ मंथ पहले से ही सवेरे उठना स्टार्ट कर दें। ये चीजें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। सुबह उठने से आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा, दिन में आपको अधिक समय मिलेगा पढ़ाई करने के लिए। ये तो सभी जानते हैं कि सुबह पढ़ना कितना लाभदायक है, क्योंकि अच्छी नींद के बाद आप पूरा फ्रेश फील करते हैं और आप जो पढ़ेंगे आपको सब याद रहेगा। आप 4 घंटे के वर्क को 2 घंटे में कन्वर्ट कर सकते हैं। उस वक्त आपका माइंड फास्ट एक्शन में वर्क करता है विदाउट डिस्ट्रैक्शन। तो इसीलिए एग्जाम के टाइम जब भी पढ़े सवेरे ज्यादा पढ़े। सो दोस्तों, कैसे लगे ये 5 टिप? अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब